सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इतने काबिल तो जरूर बनो कि मजाक उड़ाने वालों की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाए। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। लोग आपको नहीं आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। चाय में चीनी और गलत लोगों से नजदीकी कम ही रखनी चाहिए। आज का पंचांग 20 दिसंबर 2020 दिन रविवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 2:53 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र रात्रि 9:01 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:22 से 5:41 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:45 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। वृश्चिक राशि, नए अवसर आपके इंतजार कर रहे हैं। आपको शायद रिश्तेदारों के साथ यात्रा की आवश्यकता पड़ सकती है। अभी बुद्धिमानी से बातचीत करें। इस समय संगीत और फोटोग्राफी में आपकी दिलचस्पी होगी। अपने मित्र और परिवार के साथ इस प्रतिभा को साझा करें। आज आप कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जो पहले से निर्धारित नहीं होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। आपको अलग अलग पृष्ठभूमि वाले लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है। आज का दिन बेहद अनमोल है और आप सकारात्मक महसूस करेंगे। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। आज अचानक ही किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी तथा उनके मार्गदर्शन से कई मुश्किलों का निवारण होगा। रुचिपूर्ण तथा ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़ने में भी समय व्यतीत होगा। पुराने मित्रों के साथ मेलजोल खुशनुमा यादों को ताजा करेगा। यदि परिवार में अधिक वाद विवाद बढ़ रहा है तो घर की ऊर्जा में बदलाव लाने की आवश्यकता होगी। आपको आज नए नए विचार आ सकते हैं किंतु अभी विचार उपयुक्त नहीं होंगे, इसलिए जो बातें मन में बार बार आ रही है उन बातों की तरफ अधिक ध्यान देकर उस पर काम करने की आवश्यकता होगी। सावधानियां, किसी निकट संबंधी के स्वास्थ्य को लेकर मन उदास रह सकता है। दिखावे के चक्कर में कर्ज लेने से बचें क्योंकि चुकाना मुश्किल होगा। बच्चों की पढ़ाई के प्रति लापरवाही रहेगी, इसलिए उन पर ध्यान देना आवश्यक है। बात करते हैं लव लाइफ की। बच्चों की किसी समस्या को लेकर चिंता रहेगी, बेहतर होगा कि आपसे सूझबूझ से समस्या का हल निकालें। किसी साहस भरी यात्रा पर जाने से आप किसी खास के साथ सुनहरे पल बिता सकते हैं। अगर आपका साथी दूर है तब भी पत्र, फोन या अन्य संचार के साधनों के प्रयोग से उसे अपने चाहत का एहसास दिखाते रहें। धन में घाटा हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। आज आप घर में कुछ राहत के पल बिताने पर फ्रेश और प्रिय महसूस करेंगे। आपका रोमांटिक जीवन शांतिपूर्ण है और इसमें मौजूद अत्यंत भावनात्मक लगाव आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। ध्यान रहे कि प्यार को मजबूत करने के लिए वो जो वादे करें उन्हें पूरा जरूर करें, अन्यथा जिंदगी नीरज हो जाती है। बात करते हैं करियर की। संचार, प्रदर्शन कला और प्रचार कुछ ऐसे स्रोत हैं जो आपके व्यापार को फलने फूलने में मदद करेंगे। भविष्य के लिए अपने बजट को संतुलित रखें और नए दृष्टिकोण के लिए तैयार रहें। घरेलू परेशानियां, टूटी हुई खिड़कियां या
नल के लीक आदि में धन व्यय हो सकता है। आज आप अपने कार्य स्थल में परेशानी का सामना करेंगे और इससे आपको काम में भी मुश्किल हो सकती है। आपके सहयोगी आपके कार्यों की आलोचना कर सकते हैं। व्यापार और नौकरी दोनों में लेन देन आपको हानि पहुंचाएगा। अपने डर को छोड़कर जीवन का सामना करें। याद रखें, आप मुश्किलों के बिना सफलता का स्वाद नहीं ले सकते। बात करते हैं सेहत की। आप जिन्हें बहुत चाहते हैं उनका खास ख्याल रखें। उनमें से कोई बीमार पड़ सकता है। हो सकता है बीमारी बहुत छोटी हो, मगर लापरवाही ना बरतें। उन्हें आराम के लिए प्रोत्साहित करें। आज का उपाय, आज आप केले के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।